हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने करनाल दौरे के दौरान आज लघु सचिवालय पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य स्तरीय अधिकारियों की मीटिंग को संबोधित किया। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री की चीफ सेक्रेटरी केशनी आनंद अरोड़ा व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मनोज यादव के अलावा प्रदेश भर के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यह मीटिंग अक्सर हम अधिकारियों के साथ करते रहते हैं, जिसमें विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वित करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं। आज मुख्य तौर पर हरियाणा में होने वाली परीक्षाओं को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई और प्रदेश में नकल रहित परीक्षा करवाने के दिशा निर्देश दिए गए। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह महिला दिवस पर देश में मनाया जाता है, उसी तर्ज पर युवा दिवस के चलते प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने अभिभावकों से आह्वान किया कि वह अपने बच्चों को जागरूक करें और नशे आदि से दूर रहने के लिए प्रेरित करें। इस अवसर पर पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने हरियाणा में लागू की गई नई आबकारी नीति पर बोलते हुए कहा कि विपक्षियों द्वारा जो सवाल उठाए गए थे उनको आईना दिखा दिया गया है और वह अब चुप हो गए हैं। इस बार की जो आबकारी नीति है वह पिछली सरकारों से बेहतर नीति है। बलराज कुंडू पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इस बारे में वह ज्यादा बात नहीं करना चाहते, परंतु पहले उन्होंने समर्थन दिया था, अब समर्थन ले लिया है, इससे कोई सरकार को फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आसंद के जलमाना के युवक की अमेरिका में हुई हत्या पर अंबेसी के अधिकारियों से बातचीत कर डेड बॉडी भारत में लाने की बात भी कही। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री द्वारा पीड़ित परिवार को 10 लाख की सहायता व एक नौकरी पहले ही दे दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने करनाल दौरे के दौरान रात को करनाल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में विश्राम करेंगे एवं 1 मार्च को काछवा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे तथा करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी करेंगे। देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के करनाल दौरे की एक रिपोर्ट। मीटिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर, किस विषयों को लेकर आज आपने मीटिंग? ये तो आज ऑफिशियल मीटिंग थी। ऑफिशियल मीटिंग तो हमारी बहुत विषयों को लेकर के होती रहती है और महीने में लगभग एक आध बार होती है। जितने रनिंग इश्यूज होते हैं उन इश्यूज पर हम डीसी से एसपी से अधिकारियों से बात करते हैं। तो इस अगले महीने के जो रनिंग इश्यूज हैं 2-3 विषय थे, उस पर चर्चा की मैंने। जैसे अभी जैसे 3 तारीख से विद्यार्थियों की परीक्षा, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी परीक्षा होने वाली बच्चों की, उसमें एक जो हरियाणा में कुछ ऐसे केंद्र हैं जो बदनाम है नकल के लिए, तो नकल रहित परीक्षा हो जाए ताकि बच्चों का उनका जो रियल टैलेंट है, उनकी जो एक प्रकार के उनकी योग्यता है वो ही निकल करके आए। और अगर बच्चों को इस समय यदि हम नकल से रोक करके उनके भले के लिए, उनके हित के लिए अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो उनका जीवन अच्छा बनेगा। नकल से पास करके कोई बच्चे आगे बढ़ भी जाएंगे, एकदम सर्टिफिकेट ले लेंगे, उसके बाद आगे रुक जाएंगे। इसलिए हमने इस पर एक फोकस किया है कि किसी भी कीमत पर नकल नहीं होने देनी चाहिए, वो एक बड़ा विषय था। दूसरा विषय है 8 मार्च को महिला दिवस है। तो जैसे हमने युवा दिवस पर कार्यक्रम किए थे प्रदेश भर में, उसी प्रकार के महिला दिवस पर भी प्रदेश भर में कार्यक्रम होंगे। पिंकाथन होंगी जगह जगह और ग्राम गांव के क्षेत्र में भी ग्राम सभाओं के माध्यम से महिलाओं की जो समस्याएं होती हैं खास करके उनके ऊपर वो चर्चा करें। महिलाओं को थोड़ा इस प्रकार से शिक्षित भी किया जाए, अवेयर भी किया जाए अपने परिवारों में, बच्चों के प्रति उनके जो दायित्व हैं वो, ताकि बच्चे उनके एक ठीक संस्कार में आगे पलें। आजकल जो नौजवान और बच्चे जो ड्रग्स की तरफ बढ़ गए हैं और उधर बढ़ते चले जा रहे हैं, आखिर महिला अगर किसी परिवार की वो मजबूती से अपने परिवार को संभालने के लिए अगर आगे बढ़ती है तो परिवार का भला होता है। सर यूनियन मिनिस्ट्री, उसके बाद जब उनको आईना दिखा दिया गया, उस आईना देखने के बाद वो चुप हो गए कि जिस बात को वो उठा रहे हैं वो बात 2006 और 2007 में लागू कर ली थी उन्होंने, 6-7 के बाद लगातार लागू थी, वो तो मीडिया की आंखों में कभी ध्यान में आया ही नहीं, उनकी नजर में आया नहीं, इसलिए चलता चला गया। आज ध्यान में आ गया, हमने बता दिया कि चीज तो 2006 और 2007 से है, जब हर व्यक्ति एक स्पेशल लाइसेंस लेकर के और 6 बोतल 12 बोतल अपने घर में रख सकता है, हमने कभी बदला ही नहीं है, ना 5 साल में पहले बदला, वो 6-7 से उनका भी चल रहा है। सर करनाल के एक लड़के की अमेरिका में हत्या हो गई थी, आपने 10 लाख रुपए की राशि भी दी है, डीसी नौकरी भी दी है उनके परिवार वालों को, शव किस तरह से आए? असंद विधानसभा क्षेत्र से उनके गांव का एक नौजवान, वो गोली वहां लगी, उसको उसकी मृत्यु हुई और गरीब परिवार है वो, उसका
शव लाने की व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन लगे हैं, उसमें जो पैसों की जरूरत थी उन्होंने पूरी कर दी है। परिवार के लिए अब वो परिवार की यही मांग है कि शव किसी न किसी तरीके आदि उसके लिए। बात करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से या हमारे जो एमएससी हमारी जो एमएससी है तो उस एमएससी से ही बात करेंगे, तो कोई कठिनाई जो आ रही होगी उसको कैसे हल करते हैं। शुक्रिया सर। हरियाणा शिक्षा के स्तर पर चौथे पायदान से दसवें पायदान आ चुका है। आपने कहाँ से आंकड़े पढ़े? मैंने तो पढ़े नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि हम शिक्षा में पिछले 5 वर्षों में जो हमने लेवल बढ़ाया है, जो कि परीक्षा में परीक्षा होती नहीं थी, हमने मासिक टेस्ट शुरू किए, हमने सक्षम, सक्षम प्लस, सक्षम टू और ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जहां बच्चे पढ़ते नहीं थे, यानी मेवात जैसे जिले में, नू जैसे जिले में शिक्षा है चाहे स्वास्थ्य है, उनमें हम बहुत अच्छा इम्प्रूव किए हैं। ये आंकड़े कहाँ से आपने पढ़े हमको मालूम नहीं है, लेकिन हम संतुष्ट हैं कि पिछले 5 साल में हमने शिक्षा में अच्छा काम किया और जो अब भी खास करके जैसे कल का आपने बजट देखा, अगर किन्हीं बातों पर ध्यान दिया गया है तो उसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उसमें सुरक्षा है, उसमें रोजगार स्वावलंबन है, इन बातों पर जोर दिया है और ये हम हरियाणा में किसी भी चीज को ऐसा बता। सर आपने बजट को लेकर काफी अच्छा वो किया, पेश किया कल, लेकिन विपक्ष कह रहा है हवा हवाई है, लेकिन शिक्षा को लेकर हमें लगा कि काफी आपने सुधार करने की। जो आपको लगा वही ठीक है, विपक्ष का क्या, कुछ भी कहे। आपने पहली बार वित्त मंत्री के साथ बजट पे कैसा महसूस किया आपने भी? बजट सेटिस्फाई आप अपने लेवल पे? ये बजट सीएम के लिए है, सीएम या सीएम तो सर आप ही है, कॉमन मैन ठीक है, ये बजट कॉमन मैन के लिए है, इसलिए जनता का बजट जनता के लिए, मैं तो अच्छा कहूंगा ही, आप अच्छा जब कहेंगे तो अच्छा लगेगा। सर बहादुरगढ़ में ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर जो बॉयलर फटा था, आपकी तरफ से क्या राहत, क्या कार्रवाई की जाएगी? एक इस प्रकार की दुर्घटना हुई है जिस पर अफसोस है और उसमें 6 लोग उसमें मारे गए हैं और उनको 2-2 लाख रुपए की राहत भी दी है हमने, और उसके कारण भी डिपार्टमेंट के लोग उसमें ढूंढने गए कि भी वो किस कारण से हुआ है, बॉयलर फटा है तो किसी की गलती से हुआ है या अकस्मात कोई दुर्घटना हुई है, लेकिन उसका बदला अफसोस। सर बलराज कुंडू ने जिस तरह से मतलब अपना समर्थन वापस ले लिया, उससे क्या देखते हैं, मतलब क्या उसकी मंच है? अनिल विज जी ने कहा है कि हम मना लेंगे उन्हें। देखिए बहुत ज्यादा मैं इसमें बोलना नहीं चाहूंगा, इतना ही है कि उन्होंने समर्थन दिया है, वापस किया है और मुझे नहीं लगता कि वो जिस धरातल पर सोच रहे हैं वही बात ठीक है। उन्होंने कोई एक किसी शिकायत के आधार पर कुछ कहा है तो शिकायत में जब तक कोई सब्सटेंस मटेरियल नहीं होता तब तक उसकी इंक्वायरी, तब तक एसआईटी ये वो या कोई भी कह सकता है कि इसकी इंक्वायरी कराओ, इसकी नहीं कराओ, उसके लिए सब्सटेंस चाहिए, सब्सटेंशियल सब्सटेंस टू क्रेडिबल सब्सटेंस हो जाना चाहिए, विश्वास तो हो कि यहाँ गड़बड़ हुई है। जो बातें उन्होंने बताई हैं उसके बारे में सारा जो तथ्य है वो तथ्य नहीं है जो बता रहे हैं, तो ये तथ्य नहीं है, तो इसलिए उनको कहा कि ये गलत विषय बता रहे हैं, फिर भी वो आवेश में आकर के कह गए हैं। आगे देखें नीति को लेकर इस पर विपक्ष ने बहुत वो हल्ला किया है, हालांकि ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.